अब ये जो है ना 19 दिसंबर 2018 को 15 मार्क का पूछा गया था ये क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ना आपके पास है दूसरा भी, पर इसी फिगर को हाफ करके बताया गया है। पर अब इसमें आपको ये सब जितने भी मिसिंग फिगर हैं वो निकाल लेते हैं, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन इतना ईजी है। देखो यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लिखा है, 200 लिखा है, और हम जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट हर बार सेम रहती है, तो कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो सब में क्या आएगा, ये 200। क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, तुम अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसमें टोटल कॉस्ट लिखा है पर यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट है, बराबर। दूसरी बात, अगर मैं टोटल कॉस्ट ढूंढना चाहता हूँ तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या, टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करूँगा तो टोटल कॉस्ट मिलेगी, तो मतलब 200 और 50 तो 250 ले लो, यहाँ पे भी आ गया 200, और ऐसे करेंगे तो 280 यहाँ पे भी आ गया। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, देखो 300 में से 200 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ 100, 320 में से 200 को माइनस करूँगा तो ये 120। अब ये बाकी के खाने बाकी, तो मैं क्या करूँगा इसको, किस में 320 में से 200 माइनस करूँ तो 120 आएगा। सुनो आप ध्यान से, ये कितना लिखा है 72, ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी यानी यूनिट, बराबर। अब अपने क्या करें, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, तो मैं ये 72 है ना इसको 5 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो 360 यहाँ पे आ गया, समझे। और ये 72 है इसको मैं 6 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 432, बराबर। ये आंसर है। दूसरी बात, अब इसके बाद में क्या देखें अपने, ये इतना तो आ गया, अब 360 में से ये माइनस करो तो 160 ये आ गया, ओके। 432 में से ये माइनस करो तो 232 मुझे यहाँ पे ये मिल गया। अब ये मिसिंग वापिस, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट कैसे ढूंढते अपने, मार्जिनल कॉस्ट ढूंढने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो ये 250 है ना उसकी मार्जिनल कुछ नहीं होगी, 200 एसी में से 250 माइनस करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो तो कितना आएगा 30, 300 में से 280 माइनस करो तो कितना आएगा 20, 320 में से 300 माइनस करो तो कितना आएगा 20, 360 में से 320 माइनस करो तो कितना आएगा 40, 432 में से 360 माइनस करो 72 आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे आगे वाला ढूंढना है ये वाला, तो इसमें कैसे माइनस कर रहा था, इसमें मुझे प्लस करना पड़े, तो मैं 432 में 128 को प्लस करूँगा तो 560 ये आ गया। अब अगर ये 560 आता है तो वापस इसको मैं 200 में से माइनस करूँगा तो ये आएगा 360, बराबर। सेम यहाँ देखो 560 में 240 को प्लस कर दूँ तो कितना आएगा 800, यहाँ पे 800 लिखे, 800 में से 200 माइनस करो तो कितना आएगा 600, और लास्ट यहाँ लिखा है तो 1060 में से 200 को माइनस कर दे तो कितना आएगा 1060 में से, तो 860 आ गया यहाँ पे, और 1800 में से 200 माइनस करें तो कितना आएगा 1600, बराबर। तो अब यहाँ दो मिसिंग है, इसको भी कैसे माइनस करें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आया 60, और इसमें से ये माइनस करो तो कितना आएगा 740, बराबर। अब तुमको एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है, तो एवरेज कॉस्ट के लिए अपने क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 250 जाएगा डायरेक्ट, 200 एसी को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 140, 300 को 3 से डिवाइड करो तो 100, 320 को 4 से डिवाइड करो तो एसी, ये तो 2 दिए जे, 560 को 60 से तो एसी, 800 को 8 से तो 100, 860 को 9 से डिवाइड करो, यहाँ गलती लग रही है मुझे क्योंकि ये फिगर बराबर सेट नहीं हो रही है, अदरवाइज क्या होता है तुमको तो दियो देंगे बराबर देंगे, पर इन्होंने जो क्वेश्चन टाइप किया है ना टाइप इसके मिस्टेक है, तो अपने खाली डिवाइड करें, इसको डिवाइड करो तो कितना आंसर आता है 95.55, और
1600 को 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 160। सम इज ओवर, 15 मार्क का ये तुम्हारे सामने जो सम है।